पठान के राज 57 साल की उम्र में सिक्स पैक एप्स वाला पोस्टर बॉय। सिक्स पैक एप्स एक ऐसा शब्द जिसका हर यंगस्टर दीवाना है। आजकल युवाओं का बस यही सपना है कि किसी तरह से उनकी सिक्स पैक एप्स बन जाएं। फिल्मों में डांस करते वक्त, फाइट करते वक्त एक्टर्स के सिक्स पैक एप्स देखकर हर युवा उसे पाना चाहता है। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या फिर प्रोफेशनल्स, हर कोई एक्टर्स जैसी सिक्स पैक एप्स के सपने देखता है और बनाना भी चाहता है। और जब 57 साल की उम्र में बादशाह शाहरुख खान सिक्स पैक एप्स बना सकते हैं तो युवा क्यों नहीं। बस यही इम्प्रेशन हर युवा को सिक्स पैक एप्स से सपने दिखाता है। जब भी हम सिक्स पैक एप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है डाइट की। तो हम आपको बताएंगे कि मिस्टर पठान का डाइट प्लान क्या था और वे उसे कैसे फॉलो करते थे। रोमांस और प्यार के बादशाह शाहरुख खान अपनी लेटेस्ट फिल्म पठान में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत भी की। कोरोना काल में किंग खान की सिक्स पैक एप्स वाली जर्नी में थोड़ी रुकावट आ गई थी, इसलिए कोरोना काल के बाद उन्होंने इसे फिर से शुरू किया और 2 साल में वो कर दिखाया जो सचमुच एक पठान को जरूरत थी। सिक्स पैक एप्स बनाने की शुरुआत में शाहरुख पहले हैवी लिफ्टिंग, फिर सर्किट ट्रेनिंग और कार्डियो वर्कआउट को जरूर करते थे ताकि बॉडी को हर तरह से फिट किया जा सके। इन सब के साथ बारी आती है डाइट प्लान की, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब आप इस तरह की जर्नी में होते हैं और जब आप बहुत ज्यादा फूडी हो, पकवान और मसालेदार खाना ज्यादा पसंद करते हो, तो इन सब से दूर रहना और मुश्किल हो जाता है। हमारे किंग खान भी बहुत फूडी हैं। हालांकि सिक्स पैक एप्स बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। एक्सरसाइज के साथ साथ शाहरुख खान अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखते थे। अपनी डाइट में भी वो लीन मीट, अंडे की सफेदी और दाल खाते थे, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फैट मिल सके, जो कि सिक्स पैक एप्स के लिए बहुत जरूरी है। वो नाश्ता नहीं करते थे, लेकिन अपनी डेली डाइट में प्रोटीन का इंटेक पूरा करने के लिए स्किनलेस चिकन और टर्की लीन मीट खाते थे, जो इस जर्नी में उनके रूटीन का अहम हिस्सा था। शरीर में फाइबर की जरूरत को पूरा करने के लिए किंग खान मौसमी ग्रीन सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा वे विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर दाल और फलियां खाते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को दूर रखने में मदद करते हैं। फिल्म पठान में अपने लुक के लिए शाहरुख खान ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसके लिए उन्होंने अपने खान पान में बहुत सारे बदलाव भी किए थे। मीठे की जगह शाहरुख खान फल खाते थे और अपने वर्कआउट सेशन को एनर्जेटिक बनाने रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन फ्री वर्कआउट स्नैक्स लेते थे। मसल्स को ग्रो करने के लिए वे हाई प्रोटीन फूड खाते थे। जिम सेशन के बाद प्रोटीन शेक पीना कभी नहीं भूलते थे। तलने की जगह उन्होंने ग्रिलिंग का ऑप्शन चुना और मक्खन से बने व्यंजनों से भी वे परहेज करते थे। पठान जैसी बॉडी के लिए शाहरुख खान अपनी डाइट से रिफाइंड चीनी और अनाज, जिसमें सफेद आटा और सभी तरह की ब्रेड और चावल के प्रोडक्ट शामिल है, उनको भी उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया था। इसकी जगह वो अंडे के साथ साबुत गेहूं का टोस्ट और चिकन सैंडविच खाते थे। इन सब के साथ किंग खान खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना और पर्याप्त नींद लेना कभी नहीं भूलते थे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या आप भी सिक्स पैक एप्स की चाहत रखते हैं? सिक्स पैक एप्स हेल्दी या अनहेल्दी और क्यों?